नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 में एक नया अपडेट आ चुका है, ये देखिए। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी फीचर के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों हमें इस मॉडल के अंदर, इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो इस फीचर के बारे में जानते हैं, इस सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में जानते हैं, बट दोस्तों जो भी लोग हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये जो दोस्तों फीचर है इस फ़ोन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप बात करता हूँ उस अपडेट की। दोस्तों देखिए ये है वो अपडेट जिसको अभी तक मैंने किया नहीं है। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस साइज़ की। तो इस अपडेट का साइज़ है दोस्तों 140 MB, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हमें मिलता है सिक्योरिटी पेज लेवल और छोटे मोटे जो बक्स होते हैं वो फिक्स होकर मिलेंगे। सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों कर दिया गया है 1 मार्च का। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है A50 2019 में आया था, अभी चल रहा है दोस्तों 2022, फिर भी दोस्तों हमें इसके अंदर जो अपडेट मिलते रहते हैं। तो अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि इसके बाद जो भी अपडेट आएंगे तो उससे पहले दोस्तों आपको पेंडिंग में पड़े हुए अपडेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आप नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ उस खास बात के बारे में जिसके बारे में मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बोला था। दोस्तों आपको पता होगा कि सैमसंग गैलेक्सी A50 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी चल रहा है 2022, फिर भी दोस्तों हमें इस फ़ोन में टाइम पर अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G वाला वेरिएंट, ये देखिए ये वाला। और दोस्तों इस फ़ोन में भी, इस फ़ोन से पहले हमें सैमसंग गैलेक्सी A50 में अपडेट देखने को मिल जाता है हर मंथ वाला। तो दोस्तों ये बात मुझे सैमसंग गैलेक्सी A50 में काफ़ी अच्छी लगी कि इस फ़ोन की जो प्राइस है दोस्तों वो समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर है, और जो S20 FE है दोस्तों वो 40 हज़ार रुपये के आसपास आता है, फिर भी दोस्तों उससे पहले हमें इस मॉडल में अपडेट देखने को मिल जाता है। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे, सोचा आपको ही बता दूँ। तो दोस्तों जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है तो ये दोस्तों ये गाने वगैरह बज रहे हैं। दोस्तों इसी अपडेट के बारे में आपको बताना था। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।